हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपास, इसे राउंडर भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन 5, इंस्क्राइबिंग सर्कल्स, एग्जाम्पल नंबर 18, टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ स्क्वायर। क्वेश्चन, construct a square with side 6 cm in length and inscribe a circle touching all its four sides. Hindi Prashna Vibhag 5, वृत्त वर्तुल को अंकित करना। उदाहरण, किसी वर्ग चतुर्भुज में वृत्त वर्तुल अंकित करना। प्रश्न, 6 cm भुजा वाला एक वर्ग चतुर्भुज बनाइए और उसकी चारों भुजाओं को अंदर से छूते हुए एक वृत्त वर्तुळ बनाइए। मराठी प्रश्न, 6 सेंटीमीटर बाजूचा चौरस काढून त्यात चारही बाजूंना स्पर्श करणारे अंतर्वर्तुळ काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें एक चौरस लेना है, यानी वर्ग लेना है, और उसमें हमें एक सर्कल को खींचना है। वो सर्कल जो वर्ग है, चौरस है, उनकी चार भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। जो वर्ग हमें बनाना है, स्क्वायर हमें बनाना है, उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर लेना है। बच्चों, एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम के जो सभी एग्जाम्पल्स है, 22 एग्जाम्पल है, उसमें का 12 नंबर का जो एग्जाम्पल है, वहाँ पर मैंने सभी साइड इक्वल वाला जो स्क्वायर है वो कैसे बनाना है वहाँ पर मैंने सिखाया। वो आपको एग्जाम्पल देखना होगा, एज शोन इन कंस्ट्रक्शन नंबर 12। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बेस लाइन लेना है। इस बेस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना है, वो लाइन लाइट ले लेना है इस प्रकार से। क्वेश्चन में यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, तो हमें अपने मन से नाम यहाँ पर लेना है, ए और बी। अब हमें ये पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके इस प्रकार से दो आर्क बनाने हैं। पहले वाले आर्क पर कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर ए से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके ऊपर वाली हिस्से पर एक आर्क बनाना है। सेकंड वाले पॉइंट से उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाएं। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहां पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को और ए पॉइंट को केयरफुली से जोड़ना है इस प्रकार से। यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर का यूज न करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये देखो, राउंडर कंपास की मदद से। उसके बाद कंपास में डिस्टेंस लेना है ए बी इतना, और अभी जो परपेंडिकुलर निकाला उस पर क्या करना है, एक आर्क बनाना है। इस आर्क ने परपेंडिकुलर को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर नाम देना है डी। कंपास में वही डिस्टेंस रखकर डी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर राइट साइड को एक वर्टिकल आर्क बनाना है, और बी पॉइंट से उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर एक हॉरिजॉन्टल आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है सी। अब बी सी को जोड़ना है और सी डी को जोड़ना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा ए बी सी डी ए स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखना है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला स्क्वायर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर दो डायगोनल निकालने हैं। पहला डायगोनल निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है ए सी। तो ए सी पॉइंट को हमें जोड़ना है, बहुत ही सिंपल सा
ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमें बीडी विकर्ण कर्ण को जोड़ना है, डायगनल को जोड़ना है। इस प्रकार हमने दो डायगनल यहाँ पर बनाए, दोनों डायगनल ने एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ओ। उसके बाद कंपास लेना है, राउंडर लेना है, कंपास का स्टील वाला पॉइंट ओ पर रखना है और ए पी लाइन पर इस प्रकार से दो आर्क बनाने हैं। दोनों आर्क जहां पर क्रॉस हुए वहां पर पॉइंट लेना है। पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ये जो डिस्टेंस है इससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लेके निचले वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है। सेकंड वाले पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। अभी जो हमने परपेंडिकुलर निकाला उसने एपी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, तो वहाँ पर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को नाम देना है पी। अब हमें कंपास में ओपी इतना डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर एक सर्कल बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बच्चों बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आप भी ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है उसका डिस्टेंस चेंज करके इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इस सब्जेक्ट में परफेक्ट बनोगे। आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।